आपको किस किस चीज में दिक्कत हो रही है? पानी का दिक्कत हो रहा है, लाइट का दिक्कत हो रहा है, ये खंडे में मतलब ये नाली की दिक्कत हो रही है। पानी आप लोग ढो के लाते हैं? वहाँ से लाते हैं पानी। हाँ। तो उसके बाद आप लोग नहाना खाना पीना जो भी होता है यहाँ अंदर, आप लोगों को कोई नल की व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं। अगर ये टूटा हुआ है तो इसमें पानी की सप्लाई कैसे जाएगी? और ये लोग बता रहे हैं कि नल जो है यहाँ से कुछ दूरी पे, हम लोगों को बाल्टी से पानी ढो के लाना पड़ता है। पानी आप लोग ना, सबसे ज्यादा दिक्कत पानी का है और बिजली का। अच्छा, पानी देखिए मूलभूत से इन लोगों की पानी और बिजली की समस्या है। और दोस्तों, मैं हूं अनमोल आनंद और मैं इस समय आ गया हूं बलिया के बेलथरा रोड आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड में मैं मौजूद हूं। और मैं यहां आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां एक मुलायम यादव की सरकार में यहां एक बना था, ये शहरी आवास योजना बनता था, लोहिया शहरी आवास योजना। और इसी कैंपस में लोहिया शहरी आवास योजना और कांसीराम शहरी आवास योजना दोनों बना है। तो आइए, यहाँ जिन लोगों को आवंटन किया गया है रूम, तो उन लोगों को ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और यहाँ जर्जर व्यवस्था। आइए, आप देखिए, ये गंदगी देखिए, झाड़ झंखाड़ देखिए ना, ये इतने तकलीफ़ में है लोग कि इन लोगों का नहाना खाना मुश्किल हो गया है। और कैसे ये करते हैं, बिल्डिंग की भी जर्जर अवस्था में है और बहुत ही बुरी अवस्था है। और आइए, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों से कि इन लोगों की क्या क्या समस्या है, कौन कौन तकलीफों से ये लोग इस समय गुजर रहे हैं। भैया, अपना परिचय दीजिएगा। भैया परिचय दीजिए। राजेश। क्या नाम है? राजेश आपका। आपको किस किस चीज में दिक्कत हो रही है? पानी का दिक्कत हो रहा है, लाइट का दिक्कत हो रहा है, ये खंडे में मतलब ये नाली की दिक्कत हो रही है, यही सब हम लोग की समस्या है जी। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप लोगों को आवंटन कर दिया गया, कोई अधिकार नहीं। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये जैसा ये लोग बता रहे हैं जो इस भवन में रहते हैं, ये बता रहे हैं कि ना पानी की व्यवस्था है। अच्छा, कोई अधिकारी आता है? नहीं। जी, नगर पंचायत से चेयरमैन वेयरमैन साहब को भी आते हैं आप लोगों से मिलने, व्यवस्था देखने? कोई नहीं आता है जी। अच्छा, तो आइए मैं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पानी की व्यवस्था यहाँ क्या है। और यहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। और आइए मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर जो ये तीन माला बिल्डिंग है या चार, तो इसमें अगर जो ये टूटा हुआ है तो इसमें पानी की सप्लाई कैसे जाएगी? और ये लोग बता रहे हैं कि नल जो है यहाँ से कुछ दूरी पे, हम लोगों को बाल्टी से पानी ढो के लाना पड़ता है। पानी आप लोग ना? अच्छा अच्छा, तो पानी आप लोग ढो के लाते हैं? वहाँ से लाते हैं पानी। हाँ। तो उसके बाद आप लोग नहाना खाना पीना जो भी होता है यहाँ अंदर, आप लोगों को कोई नल की व्यवस्था नहीं? कोई नहीं। कोई नहीं। मैं आपको दिखाने की पानी की व्यवस्था यहाँ कोशिश करूंगा कि आगे यहाँ पे जो है एक टंकी लगवाई गई है, पानी टंकी जिसको बोलते हैं, पानी टंकी। और पानी टंकी जो है, थोड़ा सा पानी टंकी को आप दिखाइएगा, दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पानी टंकी भी सही है। पानी टंकी के बाद इसमें जो है, पानी टंकी में पानी भरने के लिए ये जो है ये पंप हाउस होता है, पंप घर होता है। इसी पंप घर में मोटर है, तो मोटर की बात है, यहाँ बिजली है ये नहीं है, तो बिजली नहीं है तो ये कैसे चलेगा, टंकी में पानी कैसे भरा जाएगा। विशेष बात है कि भाई टंकी में पानी नहीं रहेगा तो आखिर पानी रहेगा नहीं, तो जहाँ जो है वैसे संचालित नहीं होगा पानी का पाइप, तो कोई तोड़ लेके जाएगा, कोई उखाड़ेगा। और आइए, मैं जानने के लिए कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा चाची जी बताइए, और कोई बताएगा? थोड़ा सा नहाए जा के बड़ी तकलीफ होता, ऊपर में डोटी में पानी है, ये नीचे लाइन है, ये नीचे के ले जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाची जी, नाम क्या है आपका? हसीना। इनका हसीना खातून नाम है, इतनी तकलीफ में है, बहुत तकलीफ इनको। यहाँ तक इस आवास में, चाहे जो भी यहाँ ये कैंपस है, इसमें बनाया तो गया, सोच के बढ़िया, बेहतर व्यवस्था कि नहीं गरीबों को जो है आवास मिलेगा, जो रोड पे लोग रह रहे हैं वो रोड पे नहीं भटकेंगे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, कम से कम एक सुरक्षित जगह मिलेगा। तो दिया तो गया योजना तो ठीक है, लेकिन योजना बन जाने के बाद उसको कोई ना अधिकारी देखने आता है,
हाँ न कोई अधिकारी आता है, और आपके चेयरमैन आप लोग जैसे बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब भी नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। आप लोग कहीं शिकायत करती हैं पानी बिजली के लिए किसी अधिकारी से? बोलते हैं आइए आइए इधर आइए थोड़ा सा। नहीं आप किसके पास गए थे आप? क्या बोले चेयरमैन साहब? बोलते कि अपना अपना व्यवस्था कर लो, अपना अपना व्यवस्था कर लो। जैसे कि ये महिला बता रही है कि मैं चेयरमैन साहब के हम लोग गए थे पानी होनी या जो भी बिजली की जो भी यहाँ इन लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी, तो हाँ तो अब जो कहा है आप सुने हैं कि क्या कहेंगे चेयरमैन साहब के बारे में? अच्छा अपना अपना व्यवस्था कर लीजिए। अच्छा आप लोगों के पास वोटर आईडी आधार उधार आप लोग वोट देते हैं ना? तो अच्छा अब जो अभी चुनाव होने वाला है नगर पंचायत का, तो नगर पंचायत में तो आपके आपके पास तो अब जो भी प्रत्याशी होगा चेयरमैन पद का, तो अब तो आप लोगों के पास आएंगे वोट के लिए तो लोग आते होंगे, लेकिन आपकी जो बेसिक समस्या है उसके लिए आपके पास कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता। तो देखिए ऐसी विडम्बना है कि वोट लेने के लिए सारे नेता आ जाएंगे, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों को नहाने की खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए कोई नहीं आ रहा है। अभी चुनाव आने वाला है नगर पंचायत के लिए, अभी जितने प्रत्याशी होंगे वो आने लगेंगे देखने के लिए वोट, तो इसमें आप लोग बताइए कि अब आएंगे जो भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए, तो फिर आप उनसे क्या कहिएगा? अच्छा आप वोट किसी को नहीं देंगी? नहीं किसी प्रत्याशी को नहीं देना है चेयरमैन को? अच्छा अपना नहीं, अपना चेयरमैन तो किसी को चुनेंगी ना, चेयरमैन देंगी चाहे नहीं देंगी, चेयरमैन तो कोई होगा, लेकिन आप लोगों का विचार है, तकलीफ है कि क्या है चेयरमैन की, भाई क्या करेंगे? अच्छा चलिए ठीक है। इधर थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ कि पत्थर भी है यहाँ, कीड़े मकोड़े भी रात में रह सकते हैं, इन लोगों के बच्चे यहाँ घूमते हैं, अंधेरा है, आएंगे तो कोई घटना भी हो सकती है, घटना हो सकती है। अभी कहाँ से पत्थर है क्या है, लेकिन इस तरीके से ये जैसे लग रहा है कि यहाँ बांध वोध बनाना उनाना है, उस तरीके से यहाँ आखिर पत्थर रखा हुआ है, तो इस पत्थर से कोई घटना भी हो सकती है। अब जैसा भी पत्थर हो, आइए इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए कि इसमें कांतीराम योजना और ये लोहिया आवास योजना ये दोनों इसी बिल्डिंग में है। आप लोगों को इसमें कितने लोगों को अभी आवास मिल गया है? अभी जी अभी टोटल आवास आप बताइए थोड़ा सा हमको कि आप लोग क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं। अच्छा आप लोग मजदूर वर्ग है जी। तो मजदूरी करते हैं, इस बार अब चुनाव आने वाला है अभी चेयरमैनी का जी। तो इसमें जो आपके पास प्रत्याशी आएंगे, अभी तो आप कह रहे हैं कि नहीं अभी हम लोग जाते हैं तो जो भी होता है क्या होता है नहीं होता है आप तो वीडियो में बता चुके हैं जी। तो इसके बाद अब प्रत्याशी आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? अब आएंगे तो जिस तरह पहले थे उसी तरह आज भी। अच्छा वोट देना है ना? वोट तो देना है। देखिए इनको वोट देना है, सुविधा इनको मिले चाहे न मिले, लेकिन वोट तो देना है। चेयरमैन तो कोई ना कोई बनेगा, लेकिन मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए इन लोगों की जो समस्या है उसको कम से कम इन लोगों की समस्या को देखना चाहिए, और इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसका सबसे ज्यादा दिक्कत पानी का है और बिजली का। अच्छा पानी देखिए मूलभूत से इन लोगों की पानी और बिजली की समस्या है, और कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, ये लोग जो कमा रहे हैं, का राशन वासन मिलता है ना? राशन हाँ ठीक है, इन लोगों को राशन भी मिलता है, समस्या इन लोगों की केवल बिजली और पानी की है। ठीक है चलिए अपने मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके समस्या को मैं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और हो सके तो आगे कोशिश करता रहूंगा, कोई भी समस्या होगी तो हम लोग हैं आवाज़ आप लोगों की उठाने के लिए, और आप लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन बच्चों के बच्चे पढ़ाइए लिखाइए इनको, और ठीक है फिर मिलेंगे हम। ठीक है नमस्ते।